वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में इन दिनों बिजली विभाग की कार्रवाई स्कूलों पर भी चल रही है। दरअसल कई स्कूलों ने बिजली बिल जमा नहीं किए, जिसके चलते गर्मी में स्कूलों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बिजली विभाग की कार्रवाई, 113 स्कूलों पर 37 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया, विद्युत विभाग का वसूली अभियान, 13 स्कूलों के कनेक्शन काटे गए, स्कूली बच्चों को गर्मी में हो रही है परेशानी, प्रदेश सरकार बच्चों पर नहीं दे रही ध्यान। काशीपुर क्षेत्र के करीब 113 विद्यालयों पर 37 लाख से ज्यादा रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसको लेकर विद्युत विभाग द्वारा चलाए जा रहे वसूली अभियान के दौरान 17 विद्यालयों के कनेक्शन काटे जा चुके हैं, जिससे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे को कड़कड़ाती गर्मी के मौसम में गर्मी में बैठकर पढ़ाई करने की मजबूरी है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में बच्चे पसीने से तर होकर अपनी कक्षा में बैठने को मजबूर है, जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगने में परेशानी होती है। कड़कड़ाती गर्मी के चलते बच्चों को बार बार पानी की प्यास लगती है और पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिस पर प्रदेश सरकार बच्चों की ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों का बिजली का बिल भुगतान ना कर बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने में तुली है। हमारे स्कूल में बिजली भी नहीं है और हमें बहुत परेशानी होती है पढ़ने में। यहाँ पे लाइट भी नहीं है तो हमें पसीना भी बहुत आता है सर जी, और दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए हमारी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब होती है कि सर भी हमें डांटते नहीं कि गर्मी है तो बच्चे को पानी पीने तो जाना ही है। हमारे स्कूल में लाइट नहीं है, यहाँ हम परेशान होते हैं और सर जब पढ़ाते हैं हम बार बार प्यास लगती है, पसीना ही बहुत आता है हमें, और सर से बार बार ही पूछना पड़ता है सर हमें पानी पीने जाना है, प्यास लग रही है हमें, और हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। वहीं विद्युत विभाग के अधिशासी अधिकारी विजय कुमार सखारिया ने बताया कि काशीपुर क्षेत्र के करीब 113 विद्यालयों पर 37 लाख से ज्यादा रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी के आदेश पर वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते ज्यादा बकाया वाले विद्यालयों के कनेक्शन काटे गए। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इसके लिए सेंट्रलाइज व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे विद्यालयों के कनेक्शन नहीं काटे जाए। उत्तराखंड काशीपुर के अंतर्गत 113 स्कूल हैं सब मिला करके, जिस पर लगभग 37,81,000 रुपए बकाया राशि है, जिसको जमा कराया जाना। अभी विगत राजस्व माह हमारा मार्च में काफी कनेक्शन कटे हैं और उपखंड अधिकारी की आख्या के अनुसार लगभग 17 कनेक्शन काटे हैं जो जिन पर ज्यादा बकाया दिक्कत है, लेकिन इसके लिए हम सेंट्रलाइज व्यवस्था बना गए ताकि शासन से कोई ऐसा आदेश आ जाए ताकि सरकारी स्कूलों का कनेक्शन ना काटे जाए और बहुत जल्दी व्यवस्था में बदलाव आएगा। बहरहाल त्रिवेंद्र सरकार जहां सभी सुविधाओं की बात कर रही है, वहीं इस गर्मी में स्कूलों पर बिजली विभाग की कार्रवाई से बच्चों को गर्मी में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में सरकार को बच्चों पर ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ एक और प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की ओर बच्चों का रुख लाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं सरकार स्कूलों के बिजली बिलों का भुगतान कर पाने में असमर्थ है, जिससे प्रदेश के नौनिहाल गर्मी में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। अब देखने की बात है कि क्या प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों का समय से भुगतान कर पाएगी या फिर बच्चे गर्मी में यूं ही पढ़ते रहेंगे। शुभम गंभीर, न्यूज इंडिया, काशीपुर। Oh.
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया डॉट निम्स यूनाई पर हमें लाइक कर सकते हैं।